राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2021 के विरोध में आम आदमी पार्टी मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष हाजी जाबिर हुसैन के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष जाबिर हुसैन के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार संसद में एक बेहद खतरनाक बिल लाकर चुनी हुई सरकार को कमजोर करने की साजिश कर रही है। इस बिल के पास होने के बाद एलजी के पास सभी शक्तियां होंगी और दिल्ली सरकार के सभी प्रस्तावों को लागू करने का फैसला उनके मेहरबानी पर होगा। दिल्ली विधानसभा में मिली करारी हार एवं एमसीडी के उपचुनाव में 0 सीट मिलने और दिल्ली से लेकर गुजरात तक जिस तरह से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है और जन समर्थन बढ़ रहा है उससे भाजपा परेशान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः दिल्ली में षड्यंत्र का चोर दरवाजे से संविधान पीठ के फैसले को पलटते हुए दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमजोर करने और दिल्ली में विकास कार्य ठप करने के षड्यंत्र में आगे बढ़ चुकी है। संसद के अंदर संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया वह साफ साफ इस बात को दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि जिस तरह से केंद्र सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से चोर दरवाजे से दिल्ली को पुनः नियंत्रित करने की तरफ बढ़ रही है इससे लोकतंत्र की मूल भावना ही खतरे में नजर आती है। ज्ञापन देने वालों में डॉक्टर एपी सिंह, सुशील शुक्ला, अनिल बिश्नोई, कासिम पाशा, रविन्द्र भाटिया, बबलू मास्टर, मुस्तकीम मलिक, जावेद रशीद आदि लोग मौजूद थे। मांगों को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। देखिए अब ये पूरी तरह से साबित हो गया है कि मोदी केंद्र की मोदी जो सरकार है वो तानाशाह है, ना वो संविधान को मानती है, ना वो कानून को मानती है और ना वो अदालत को मानती है। 69वें संविधान संशोधन में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री ही सरकार है, तो फिर आज GNCTB में बदलाव करके उसमें संशोधन करके ये बिल लाने का क्या मतलब है जिसके तहत सारे अधिकार एलजी को दे दिए जाएंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार का जो दिल्ली मॉडल है, जो दिल्ली की जनता को आम सुविधाएं देने का मॉडल है, उसको रोकने की सीधे सीधे तौर पर ये साजिश है। क्योंकि इस बिल को पास होने के बाद में, ये कानून बनने के बाद में, दिल्ली के जितने भी प्रस्ताव हैं वो सारे प्रस्ताव एलजी के पास जाएंगे और एलजी साहब जैसे कि पहले होता आया है उन फाइलों को लटकाएंगे और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार आम जनता की सुविधाओं के काम नहीं कर पाएगी या उसमें देरी होगी और जो दिल्ली मॉडल है उसको फेल करने की सीधे सीधे तौर पर मोदी और शाह की साजिश। क्या मांग करना है? देखिए आज हम राष्ट्रपति महोदय से मांग कर रहे हैं, मुरादाबाद के जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, कि इस बिल को फौरन तत्काल रूप से वापस लिया जाए क्योंकि हम दिल्ली की जनता को अधिकार दिलाने के लिए ये मांग कर रहे हैं। अन्यथा आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगा क्योंकि हम दिल्ली की जनता को सुविधाएं दिलाने के लिए कर